पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, कि देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में है। क्या कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है, ये देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है, ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की और बाकी जितने पुलिस जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, अगर आप कल्पना कर लीजिए कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में है। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं, तो ये देख करके खुशी हुई। और यहां पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग और ये जो कोरोना का दौर चला है इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है ये बहुत अच्छा है और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है।